The past perfect tense, also called the plural perfect. Plural perfect indicates that an action was completed, finished or perfected at some point in the past before something else happened. मतलब पास्ट में आप जब जा रहे हो, आपने पास्ट की कोई कहानी शुरू की बतानी, तो कोई तो कहानी, कोई तो एक हिस्सा, कोई तो एक एक्शन कंप्लीट हुआ होगा दूसरा स्टार्ट होने के पहले, तो वो जो हिस्सा कंप्लीट हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखोगे. यू विल से इन द पास्ट परफेक्ट वे. दिस टेंस इज फॉर्म विद अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव, दैट इज ऑलवेज हैड, plus the past participle of the verb, that is either regular or irregular in form. आपको पता है present perfect में हम ed लगाते हैं, that is past participle. तो past perfect में भी हम past participle लगाएंगे, that is ed form. और जैसे present perfect में हम have and has लगाते हैं, यहाँ सिर्फ had लगाना है. To have form is always had. With persons, whether it is first person, second person, third person, and with numbers, whether it is singular or plural. So easy to express your past life, past incidents. Now, move to the session again. This is the forming the past perfect. How will you form the past perfect sentences? First, affirmative. I had decided. I is your first person, right? And we have used the word had. To have हमेशा had में रहेगा. And this is the third form of past participle of the verb decide. Always remember, यहाँ कोई भी चेंज आपको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर. इट इज ऑलवेज हैड एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. नेगेटिव यू विल हैव टू ऐड नॉट ऑब्वियसली. आई हैडंट डिसाइडेड. हैडंट इज अ कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हैड नॉट. हैड नॉट को हमने हैडंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, हैडंट डिसाइडेड. इंट्रोगेटिव Had I decided, आपको पता है जो आपका auxiliary है वो पहले आ जाता है जब आप interrogative या फिर आप question words sentences बनाते हो. तो had I decided और साथ में question mark. बहुत ही simple है past perfect form करना. Now, just is used with a past perfect to refer to an event that was only a short time earlier than before now. Just arrived, just went, just completed. ये जो है बहुत ही यूज होता है. जस्ट वर्ड हम काफी यूज करते हैं. द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, राइट, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन. सी हियर द एंटायर इंसिडेंट इज योर पास्ट. यू आर सेइंग समवन अबाउट योर पास्ट. The train had just left when I arrived at the station. मैं पहुंचा और ट्रेन तुरंत छुटी, तो just left. तो just हम यूज करते हैं past perfect में. She had just left the room when the police arrived. पुलिस के आने के थोड़े पहले ही वो रूम छोड़ के गई. She had just left the room. तो इस तरह से आप देख रहे हो पास्ट परफेक्ट में जस्ट का यूज हो रहा है. नाउ यूजिंग कंट्रैक्शंस, कैसे हम कंट्रैक्शंस यूज करें. आई हैड, तो आई एपोस्ट्रोफी डी, आई हैड, यू एपोस्ट्रोफी डी. सी एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना है, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. इट एपोस्ट्रोफी डी, वी हैड, वी एपोस्ट्रोफी डी, They had, they apostrophe D. सबसे अच्छी बात आप यहाँ पर क्या है, और एक चीज जो आपको समझ में आ रही है. I is a first person, आपने had लगाया. You is a second person, आपने had लगाया. He is a third person singular, आपने had लगाया. It is third person singular, आपने had लगाया. We plural, फिर भी आपने had लगाया. दे प्लूरल, फिर भी आप हैड ही लगा रहे हो. सी देयर इज नो चेंज.
आप आराम से अपने पास एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हो बिना किसी डर के कि कहीं कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए. सो इट्स बेटर टू नरेट योर इंसिडेंट्स, राइट इट एंड से इट इन पास्ट फॉर्म. दिस इज ऑलवेज वी एडवाइज द स्टूडेंट्स. नाउ फॉर द नेगेटिव वर्जन जो हैड है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफिस एंड हैडंट लिखते हैं. हैड नॉट, तो हाउ विल यू राइट हैड एंड एपोस्ट्रोफिस टी, तो हैडंट आता है अगर आप इसको नेगेटिव में लिखना चाह रहे हो या लिखते हो, दैट इज हैड नॉट. और जब इंट्रोगेटिव होगा आपको पता है हैड पहले आ जाता है, देन द सब्जेक्ट एंड देन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ यूजेस क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस के. वी यूजली यूज द पास्ट परफेक्ट टू मेक इट क्लियर विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट. ऑलवेज रिमेम्बर जो एक्शन हो चुका है फर्स्ट में जो हुआ है वो हमें पता चलता है. सो हम उस समय उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं क्योंकि हम पास्ट की स्टोरीज बता रहे हैं. तो जब पास्ट के स्टोरीज में एक के बाद एक इंसिडेंट्स आते जाते हैं तो दोज विच हैव हैपेंड अर्लियर वी यूज इट, वी राइट इट इन पास्ट परफेक्ट टेंस. इट हैड स्नोड इन द नाइट सो द बस डिडंट अराइव. सी इट हैड स्नोड इन द नाइट, रात को बर्फ गिरी थी सो इसीलिए द बस डिडंट अराइव, बस नहीं आई. ये एक्शन फर्स्ट में हो चुका है और इसीलिए उसका जो रिजल्ट है उसका जो कंसिक्वेंसेस है या सेकंड एक्शन जो है वो ये है. तो फर्स्ट एक्शन वी हैव रिटन इन द पास्ट परफेक्ट फॉर्म. समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, तो द पास्ट परफेक्ट टेल अस हाउ लॉन्ग. अगर कोई एक्शन वो पास्ट में स्टार्ट हो गया है और कंटिन्यू है तो वो हमें ड्यूरेशन बताता है कितने समय तक वो एक्शन चला. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन इन लंडन फॉर 6 years, तो वो 6 सालों तक लंडन में था जब उसने ग्रेजुएशन किया. टू टॉक अबाउट अनरियल थिंग इन द पास्ट, कैसे हम लोग जब विश करते हैं तो अनरियल हम लोग विश करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज दैट आवर विश विल कम फुलफिल्ड और वट एवर वी थिंक इट विल बी एज वी आर थिंकिंग. सो ये अनरियल सिचुएशन होती है जो कि थर्ड कंडीशनल इफ के साथ हम जब लिखते हैं. इफ आई हैड नोन यू वर इल, यदि मुझे पता होता कि तुम बीमार हो आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर जाता तुमसे मिलने. यदि मुझे पता होता, फर्स्ट इफ आई हैड नोन यू वर इल, तो यहां पे आपने देखा हैड नोन पास्ट परफेक्ट का हमने यूज किया. आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुम्हारे पास जरूर जाता. सो नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट या परफेक्ट, क्योंकि हम सिंपल पास्ट में भी बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट, लेकिन कब बताना है कब ये करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट व्हेन टू यूज पास्ट परफेक्ट. वी यूज सिंपल पास्ट इफ वी गिव पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड, जब हम पास्ट इवेंट्स को एक 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 सूत्र में बताते हैं, एक क्रोनोलॉजिकली बताते हैं और एक ऑर्डर में बताते हैं जैसे जैसे वो घटित हुए हैं, देन दैट इज सिंपल पास्ट. However, when we look back from a certain time in the past to tell what had happened before, we use past perfect. अब suppose when I was in school, ये एक certain आपका एक point है, आपको school के बारे में बता रहे हो. When I was in school, that is simple past. I had been taught by this, जो भी आपके सर है, professor, जो भी आपके teacher है, इतने सालों तक. तो आपने एक पर्टिकुलर फ्रॉम अ सर्टन टाइम इन द पास्ट टू टेल व्हाट हैड हैपेंड बिफोर, तो उस पर्टिकुलर इवेंट के पहले क्या हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में बताओगे. जेनी गॉट अप एट 7, दिस इज सिंपल पास्ट. बिफोर हर 6th बर्थडे
Jenny had never been to abroad. देखो, before her sixth birthday, अपने छठवें birthday के पहले तक Jenny had never been to abroad. वो कभी विदेश नहीं गई. तो had never been, हमने past perfect use किया. ये एक particular point है, एक certain incident है, ये एक certain period है, time है. Before her sixth birthday, तो उसके पहले की हम बात बता रहे हैं, तो वो आप past perfect में बताओगे. Now signal words क्या क्या है? First और then, simple past, right? Already, up to then, before that day, after. तो देखो यहाँ पर after the family had breakfast, they went to the zoo. जब उन्होंने फैमिली ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया वो जू गए. तो इस तरह से आपने देखा आपने पास्ट परफेक्ट को यूज किया. नाउ ये सब है सिंपल पास्ट. फर्स्ट देन इट हैपेंड, राइट. फर्स्ट ही अराइव्ड, ठीक है. ऑलरेडी ही हैड डन दिस, दैट बिफोर दैट डे इट हैपेंड. तो इस तरह से आप देख रहे हो सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट. इफ आफ्टर इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब है, द वर्ब बिलोंग्स टू द न्यू एक्शन एंड इज देयरफॉर सिंपल पास्ट. कैसे? आफ्टर हर विजिट टू द जू. देखो आफ्टर हर विजिट टू द जू, या आफ्टर के बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब. After her visit to the zoo, Jenny was exhausted. जब वो zoo गई उसके बाद वो काफी थक गई. She was exhausted. तो यहाँ पर Jenny को हमने simple past में लिखा क्योंकि ये इसका result बता रहा है. इस action को करने के बाद क्या हुआ Jenny के साथ? वो थक गई, right? तो this is what after her visit to the zoo, then Jenny, that is the subject. Then verb was exhausted. Next, depending on the situation, when can be used with simple past or past perfect. When को हम simple past में भी use कर सकते हैं, past perfect में भी. कैसे? When Jenny saw the elephant, she was amazed. जैसे Jenny ने elephants देखा, वो बहुत amazed हो गई, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई. तो ये क्या हुआ? सेम टाइम में दोनों एक्शन हुए, तो सिंपल पास्ट. देखा उसने और वो बहुत अमेज्ड हो गई. व्हेन जेनी हैड सीन द एलिफेंट शी वांटेड टू सी द जिराफ. व्हेन जेनी हैड सीन द एलिफेंट्स शी वांटेड टू सी द जिराफ. लेकिन उसके पहले वो एलिफेंट को देख चुकी थी, फिर वो जिराफ देखना चाहती थी. तो when Jenny had seen the elephants, तो वो past perfect में होगा. The action about the time, that particular time is what Jenny wanted to see the giraffe. But इसके पहले that you will have to write in past perfect. Now second action happened after the first action had been completed. Next, if the action after before is a new action, use simple past. If the action after before started and not completed before a certain time in the past, तो use past perfect. So आप जब अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हो, जब आप कोई कहानी सुना रहे हो, जब आप कोई incident सुना रहे हो, ऐसा बहुत बार होगा कि before आएगा तो before के बाद नया action शुरू होता है, और before के पहले यदि वो जो action है complete नहीं हुआ है तो हम वहाँ past perfect use करेंगे. Jenny had read a lot about elephant before she went to the zoo. So had read a lot. Jenny went to the zoo before she had finished reading. So naya action kya hai? Aapka Jenny went to the zoo before she had finished reading her new book about elephant. So aapne yahan dekha she had finished, yahan past perfect humne likha. तो इस तरह से ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन देयर इज अ न्यू एक्शन स्टार्टेड एंड बिफोर दैट यू आर गोइंग टू से समथिंग अबाउट द एक्शन देन यू विल हैव टू यूज द पास्ट परफेक्ट. नाउ सम एक्सरसाइजेस. ही नॉट बी टू केप टाउन बिफोर 1997.
सबसे अच्छी बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं है हैज लगाएं या हैव लगाएं, सिर्फ हैड लगाना है। तो ही हैड नॉट बीन टू कैप टाउन बिफोर 1997। हैड बीन नॉट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैडंट बीन, आपको मैंने लिस्ट दिखाई थी। व्हेन शी वेंट आउट टू प्ले शी हैडंट ऑलरेडी और शी हैडंट डन ऑलरेडी हर होमवर्क। शी हैड सी व्हेन शी वेंट आउट टू प्ले शी हैड Already done her homework। क्योंकि verb क्या है, do है, तो इसका past participle form क्या आएगा, done आएगा। तो when she went out to play, she had already done her homework। My brother ate all of the cake that our mom make is a verb। तो इसका past participle form है made, my mom had made। Now the doctor took off the plaster that he had put on 6 weeks before। Answer is all given and so I am saying this, the answers I am orally saying this। The waiter brought a drink that had not been ordered, right? See, he had not been to Cape Town before 1997। When she went out to play, she had already done her homework। My brother ate all of the cake that our mom had made। The doctor took off the plaster that he had put on 6 weeks before। The waiter brought a drink that had not ordered। इस तरह से हमने देखा कैसे हमने past perfect को use किया, क्योंकि जो हमने order नहीं दे, that I had not ordered, ये वो लेकर आए उसके पहले का action है। हमने तो ऑर्डर नहीं दिया था फिर भी वो लेकर आया, राइट? और वो जो प्लास्टर है वो छह वीक पहले लग चुका था, आज डॉक्टर ने उसको उतारा है। तो द डॉक्टर टुक ऑफ द प्लास्टर, आज मीन्स पास्ट के जो इंसिडेंट है, पास्ट का जो टाइम है उसमें उसने उतारा। तो दिस इज द रिसेंट पास्ट एंड दिस इज द डिस्टेंट पास्ट। सो फॉर डिस्टेंट पास्ट वी यूज पास्ट परफेक्ट। So what have you learned today? We have learned a very interesting part of grammar। In this past perfect helps you to write about your incidents, your past incidents that had happened before, and you can express all your past in a very perfect way। To go through the session again and again, revise it, and in the next session I'll be here with some new chapters। Thank you।